दूसरों की सहायता के लिए हमेशा से तत्पर रहकर तथा मानवता की सेवा में जीवन भर अपना सहयोग करने वाले कृपाल सिंह एंड सन्स अरोड़ा आयरन एंड स्टील रोलिंग मिल, ज्योति इंडस्ट्री चावला सेल्स कारपोरेशन के जे स्टील रोलिंग मिल्स के फाउंडर अमरजीत सिंह चावला गत दिनों गुरु चरणों में जा विराजे थे। उनके आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा नौवीं पातशाही दुख निवारण साहिब जीटीबी नगर में संपन्न हुई, जिसमें आए हुए कीर्तनी रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला की आत्मिक शांति के लिए अंतिम अरदास की, जिसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद महाराज ने भी स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उद्योगपति हरविंदर सिंह चावला, प्रितपाल सिंह राजू चावला के भाई और एकजोत सिंह चावला, गगनजोत सिंह चावला के पिता स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला की आत्मिक शांति के लिए रखे गए भोग में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने एक एक करके स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, IRS गिरीश बाली, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व विधायक अमरजीत सिंह समरा, रिटायर्ड ITEO अशोक मल्होत्रा, गुरुचरण सिंह चन्नी, कुणाल सब्रवाल, गायक वरुण मदान, बीबी जागीर कौर, HR इंटरनेशनल से सुदर्शन शर्मा, श्री देवी तारा मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कैशियर पविंदर बहल, उप प्रधान डॉक्टर सतपाल गुप्ता, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, उद्योगपति SK सहगल, उद्योगपति NK सहगल, रवि कक्कड़, उद्योगपति राकेश सब्रवाल हवेली से सतीश जैन, उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू इनोसे एंड हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अनूप बोरी, बोरी मेमोरियल एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट के MD चंद्र बोरी, LPU में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर अमन मित्तल, उद्योगपति शांत गुप्ता, पेंसिला इंडस्ट्री से उद्योगपति राकेश गुप्ता, संचित गुप्ता, उद्योगपति नरेश सहगल, दिनेश सहगल, उद्योगपति महावीर गर्ग, राकेश गर्ग, विमल प्रकाश जैन, राजेश कपूर, राकेश कपूर, ऋषभ कपूर, वैभव कपूर, अनुज कपूर, मानव विज, रितेश विज, शिवम विज, उद्योगपति अश्विनी खोसला पप्पू, प्रोफेसर विपन झांझी, उद्योगपति बलराम कपूर, पूर्व जिला प्रधान सुभाष सूद, पूर्व मेयर जगदीश राजराजा, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, अमरजीत सिंह अमरी, SP ज्वेलर से रमन जैन, उद्योगपति गुरुशरण सिंह अपाहिज, आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, उद्योगपति ललित मित्तल, एडवोकेट गुलशन शर्मा, अमरजोत सिंह, गुरदेव सिंह गोल्डी भाटिया, उद्योगपति ध्रुव मित्तल, निपुण जैन, प्रीत खालसा सहित पारिवारिक सदस्यों में मोहिंदर कौर, शरणजीत कौर, हरलीन कौर, रमनप्रीत सिंह चावला, गगनदीप कौर, गगनदीप सिंह अरनेजा, मनदीप कौर, पवनदीप सिंह सचदेवा, हरलीन कौर, प्रभजोत सिंह मोंगा, करणप्रीत कौर, जतिंदर कौर सहित धार्मिक सामाजिक राजनीतिक वर्ग से जुड़े सैकड़े लोगों ने स्वर्गीय अमरजीत सिंह चावला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
पर जीवन का लक्ष्य की है मनुखा दे ही मिली क्यों मिली लख चौरासी प्रमतियां दुर्लभ जन्म पाए होए नानक नाम समाल तू सो दिन नेड़ा आए चौरासी लख जीवन दे विच भटकदे मनुखा दे ही मिली मनुखा दे ही दा लक्ष्य की है उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए जीवात्मा उस परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़ी संसार दे विच आई संसार दे विच एक शरीर मिलिया शरीर राही संसार दे विच विचरण कीता ते हुण जीवात्मा परमात्मा दे चरणां विच अरदास करन लगी किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिल राम हे परमेश्वर असी अपने कर्मा करके तुहानूं विछड़े होए आ कृपा कर लवो इहनूं असी अपनी सवासा की पूंजी को खत्म करना है इस करना करना मेरे पातशाह ने सानू बहुत बड़ा मार्ग दिता है शब्द गुरु का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कि इस मार्ग से चल के तू अपना जीवन सफला करना है जेड़े जीव आत्मा पातशाह जुड़ के अपना जीवन सफला करते हैं श्रद्धा सत्कार के नाल सेवा समरण में जुड़ के अपने इस सवासा की पूर्ति करते हैं ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਿਆ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਿਆ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਟਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੱਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਾ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ